Hello dear learners, we are talking about an article paragraph writing. I hope you people are preparing for your upcoming board exam. Today we are going to discuss once again an article paragraph writing. Ye video number 2 hai, matlab part 2 hai. Already I have discussed with you the basic of an article paragraph writing. I hope seen that video. If you have not seen, please go in the playlist of class 10 CBSE. You will get that video based on the एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस को और हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं. और देखिए, वन मोर थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नीड प्रैक्टिस राइटिंग सेक्शन, नीड प्रैक्टिस व्हाट एवर इट इज क्वेश्चंस, चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ हो या फिर लेटर राइटिंग हो. एज यू नो दैट इन योर क्लास 10th देयर आर टू राइटिंग सेक्शन आर गोइंग टू आस्क दिस ईयर. नंबर 1 इज लेटर राइटिंग. द लेटर राइटिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. इट मे बी लेटर टू एडिटर, मे बी कंप्लेन लेटर एंड maybe inquiry letter. That I will be discussing in the next video. In this video we are going to talk about analytical paragraph writing. Analytical paragraph writing जो है ये किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो सकती है, मतलब आपको एग्जाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाटा मिल सकता है. इवन यू डोंट नो एंड आई ऑल्सो डोंट नो वट यू एंड आई नो, क्या हम दोनों जानते हैं? हम दोनों ये जानते हैं द टिप्स एंड ट्रिक्स, द मैथड ऑफ राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. क्वेश्चन कुछ भी हो हम लिखेंगे जरूर, राइट? तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं और बेहतर तरीके से. सो डियर, इन लास्ट इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर बिफोर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. में एक बार फिर से उसको रिपीट करता हूँ. एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग राइटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चन. जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा. फॉर एग्जाम्पल ये, राइट, ये एक सर्वे है. तो आपको यू नीड टू गो थ्रू दिस, यू नीड टू सी दिस. ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया यहाँ पे नंबर लिखा, यहाँ पे कुछ ग्राफ बने हुए हैं, बस मैं लिखना शुरू कर दूंगा. नो, यू नीड टू गो थ्रू एवरीथिंग वेरी प्रॉपर वे, देन ओनली यू आर एबल टू राइट इट, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू राइट इट. क्लियर? नंबर 1, आप इसको रीड करेंगे और आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ये जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो किस चीज़ के बारे में है. ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट फेवरेट आफ्टर फेवरेट एक्टिविटी के बारे में है, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, और स्टूडेंट फेवरेट एक्टिविटी आफ्टर स्कूल और स्टूडेंट फेवरेट आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, मतलब कि बच्चों की स्कूल के बाद जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में ये डिटेल है कि कौन सा बच्चा, कितने परसेंट बच्चे या कितने बच्चे कितनी आउटडोर स्कूल आफ्टर स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उसमें वो क्या क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ये है. तो पॉइंट नंबर ये हो गया. यही पॉइंट अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरह दिया है तो आपको यही इसी को उठा कर लिख लेना है अपनी हेडिंग में, अपने आंसर में. आप उसको अपनी हेडिंग बना लेंगे, पॉइंट बना लेंगे या टाइटल बना लेंगे अपने आंसर का, ठीक है? अब दूसरी चीज हमें क्या देखना है, कितने वर्ड लिमिट है, 100 to 120 वर्ड लिमिट, हम इसको फॉलो करेंगे. नंबर 3, जो मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट योर पैराग्राफ शुड बी इन 1 पैराग्राफ, मतलब आपका एनालिटिकल का पैराग्राफ एक पैराग्राफ में ही लिखिए. अब उसको यू नीड टू प्रोसीड फॉर द सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ माई डियर, ठीक है? अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं, इसे टू द पॉइंट लिखते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई. फोर्थ पॉइंट इज दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू हैव नॉट सीन यू मस्ट सी दैट. एनालिटिकल पैराग्राफ का जो बिगिनिंग के फर्स्ट 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस होते हैं, दैट इज क्रिएटेड बाय फ्रॉम आवर साइड ऑन अकाउंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई उससे रिलेटेड ओपनिंग स्टेटमेंट हम रखेंगे, ठीक है? क्लियर? उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ पर जो लास्ट 2 लाइन होती हैं वो हमारी तरफ से होती है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग लाइन. उसमें भी आप अपनी तरफ से लिखेंगे विथ रेफरेंस टू दिस इन्फॉर्मेशन गिवन, ठीक है? बाकी रेस्ट लाइंस जो हैं पैराग्राफ की वो इस डाटा पे बेस्ड होंगी जो कुछ दिया हुआ है. नेक्स्ट थिंग आई टोल्ड यू दैट आप इस अपने पैराग्राफ को 100 टू 120 पहुंचाने के लिए आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेथड का प्रयोग करेंगे. आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो या डाटा हो या किसी भी चीज़ से कि जो उस डेटा में, उस इंफॉर्मेशन, उस ग्राफ, उस पाई चार्ट में दिया, आप उसको कंपेयर करेंगे, देन आप अपने इस पैराग्राफ को 100 टू 120 वर्ड तक पहुंचा पाएंगे. मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम इनके लिए 2 to 3 or 4 लाइन लिखना भी टफ है, राइट? वो शुरू तो करेंगे कुछ और लिखना कुछ शुरू करेंगे, तो उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक है. ये टिप्स एंड ट्रिक हर व्यक्ति, एवरी राइटर, एवरी स्टूडेंट कैन अप्लाई, बट स्पेशली ये उनके लिए हैं जो जिनके कंटेंट 1 ही 2 लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है? अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, और सारी चीज़ जो मैंने अभी बताई उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं. देखिए क्या है, सर्वे ऑफ स्टूडेंट फेवरेट. सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे. सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स एक सर्वे है, सर्वे का मतलब इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का. अब ये सर्वे
एक हो सकता है आप में से बहुत सारे के लिए नया वर्ड है, सर्वे का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च करें और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसे सर्वे कहते हैं, राइट इन इंग्लिश। और सर्वे ऑफ स्टूडेंट फेवरेट आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, किस चीज़ का सर्वे हुआ है कि बच्चे जो है स्टूडेंट हैं वो स्कूल के बाद क्या करते हैं और कौन सी एक्टिविटी करते हैं, वाज कंडक्टेड एट स्कूल, और ये स्कूल लेवल पे हुआ है, ठीक है। द टेबल, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो टेबल दिया है, द टेबल बिलो शो द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे, और ये क्या दिखाता है, ये रिजल्ट ऑफ सर्वे को दिखाता है कि कौन सा बच्चा या कितने बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। एनालाइज द गिवन डाटा, इस डाटा को समझिए, एनालाइज का मतलब समझिए, ठीक है। एंड राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड, और उसके बाद एक से 100 to 120 वर्ड में पैराग्राफ लिखिए। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, इसे समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको देखते हैं। इधर क्या दिया है, इधर दिया गया है स्टूडेंट, पूरे डाटा कितने बच्चे हैं, 100 बच्चों को इन्वॉल्व किया गया, और ये देखा गया कि ये जो 100 बच्चे हैं किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आफ्टर स्कूल। हम शुरू करेंगे यहाँ से, पहला क्या है, प्ले स्पोर्ट्स, 45 स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं, वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। 53 स्टूडेंट टॉक ऑन फोन, 53 स्टूडेंट टॉक ऑन फोन। अब आप इसमें से कौन सा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप फोन पर बात करते हैं या खेलते हैं, ठीक है, आप किस में से हैं। नेक्स्ट क्या है, विजिट विद फ्रेंड, 99 बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूल। हाँ, एक चीज़ और आप याद रखिए, जब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर ये परसेंटेज में नहीं है तो ये नंबर में है, आप कंफ्यूज ना हो कि हम इसे परसेंटेज में लिखें या नंबर में लिखें। अगर परसेंटेज में होगा तो कुछ ना कुछ सिंबल आपको मिल जाएगा, अगर परसेंटेज का सिंबल नहीं है तो 100% ये नंबर को दिखा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट, नॉट परसेंटेज आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 53 क्या कर रहे हैं, टॉक ऑन फोन है। आप क्या करते हैं, आप मुझे बताइए कि आप इसी 53 में हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। 99 क्या करते हैं, विजिट विथ फ्रेंड्स, क्या आप इस 99 में आते हैं, क्या आप भी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं आफ्टर स्कूल, अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखें। 44 अर्न्स मनी, और 44 जो है वो स्कूल के बाद कुछ काम करते हैं, दे आर वर्किंग समवेयर, इफ यू आर इन दिस कैटेगरी आल्सो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। 66 I will reply to you. If you write in comment section, I will reply to you. 66% क्या, chat on mobile. हाँ, मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा होंगे आप में से, तो आप write करिए मुझे comment section में, मुझे पता चल जाएगा कि आप हैं इस किस group से belong करते हैं। Chat online, वो क्या करते हैं, online बातें करते हैं, वो 66 स्टूडेंट है। अगले क्या है, 22 स्कूल क्लब, और जो 22 स्टूडेंट है, 22 स्टूडेंट है वो स्कूल क्लब, मतलब स्कूल की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। स्कूल की तरफ से बहुत सारे स्कूल्स होते हैं या क्लब बने होते हैं, फुटबॉल क्लब ना, बैडमिंटन क्लब, तो उसमें जाते हैं, उस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और 37 स्टूडेंट वॉच टीवी, अब आप बताइए कि आप इस वॉच टीवी में से हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, ठीक है। आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। तो आपने क्या समझा कि 100 स्टूडेंट है जिसमें से 45 प्ले स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट एक्टिविटी है, 53 फोन पर बात करते हैं, 99 अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, 44 अर्निंग मनी मतलब कोई काम कर रहे हैं आपके स्कूल, 66 चैट ऑन मोबाइल, 22 स्कूल बस क्लब, और 37 वॉच टीवी। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। ये बच्चों का सर्वे है, 100 बच्चे को लिया गया इन दिस सर्वे ऑफ स्कूल, और उसमें दिखाया जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। अब आपको इतना क्लियर, अब आपको लिखना है, लिखे इंग्रेस चले देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले आपको बताया, यू नीड टू राइट मार्जिन इन योर आंसर शीट, ठीक है। एग्जाम में जब भी आपको कॉपी मिलेंगे, यू द मोमेंट यू गेट योर आंसर शीट, आप वेदर इट इज योर स्कूल एग्जाम या फिर आपका बोर्ड एग्जाम, होता क्या है, यू पीपल आर टेकिंग द स्कूल एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम वेरी लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है, टेक इट सिंसियरली, सीरियसली नहीं, सिंसियरली ने नाम है डियर। और प्री बोर्ड के एग्जाम में भी एक्सीलेंट करने की कोशिश करिए, ये प्री बोर्ड ही आपका डिसाइड कर देगा कि आपके बोर्ड में परफॉर्मेंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, और सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल, ये टाइटल सर कहाँ से मिलेगा, मैं आपको पहले भी टिप्स बता चुका हूँ, थोड़ा स्मार्ट चीटर, स्मार्ट चीटिंग करिए, स्मार्ट बनिए, और क्वेश्चन में से ही टाइटल को चुरा लीजिए। यहाँ पे टाइटल देखिए दिया हुआ है, इसी तरह अगर यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ दिया है, स्कूल एक्टिविटी, स्टूडेंट फेवरेट स्कूल आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, यहाँ से आप पिक कर लीजिए, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया, तो कहीं ना कहीं से आप यूज करके उठा लीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे, कैसे, ऐसे, क्या मैंने टिप्स आपको बताया, नेक्स्ट फर्स्ट टू लाइन और थ्री लाइन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आप अपनी तरफ से लिखेंगे विथ रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन। आप मुझे बताइए क्या है ये, किस चीज़ के बारे में, भाई दिस इज अ सर्वे, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट विच शो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर दैट सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल। ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये तो कह रहा है, ये यही नहीं बता रहा है पैरा सर्वे, ये बच्चे कहाँ पे क्या कर रहे हैं स्कूल के बाद उसके बारे में, तो आप लिखिए दिस
This survey shows the number of students who are involved in different activity of the school, or it shows the number of students involved in different activity of a school, like play, sports, talking phone, and this, जो भी दिया उसको लिख दीजिए, ठीक है? As the survey show, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, the data reveals, reveals का मतलब होता है open करना, दिखाना, reveals the that almost all of the students visit their friends after finishing school. अब यहाँ पे इसने immediately start कर दिया. अब आप फिर एक क्वेश्चन प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ तो ये इमीडिएटली स्टार्ट, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम माय डियर, बट ये बेहतर होगा कि आप कुछ इनिशियल लाइन लें, जैसे आप लिख सकते हैं दिस सर्वे शोज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज. अब सेकेंड लाइन जो होगी आपकी ये हो सकती है कि क्या हो सकती है, ये द डाटा रिवेल्स, ये डाटा दिखाता है, द डाटा सोच, रिवेल्स आपको नहीं याद हो रहा, सोच लिखिए. The data reveals that almost all of the students visit their friend after finishing school. अब ये लाइन कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई. देखिए भाई 99 बच्चे जा रहे हैं अपने दोस्त के घर, ठीक है, हो सकता है आप भी इसी में से हो, तो 99 बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ना, ऑल ऑफ 99 का मतलब 100% हो गया स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट हो गया स्टूडेंट विजिट देयर फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल एक्टिविटी. उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आल्सो इंड्यूस इन ऑनलाइन चैटिंग और टॉकिंग ओवर द फोन आफ्टर दे गो बैक होम फ्रॉम स्कूल. अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, 53% मतलब ये पूरे 100 स्टूडेंट का 50% है जो क्या कर रहे हैं, टॉकिंग ऑन फोन, फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर चैटिंग, चैटिंग में देख लीजिए, तो फोन एक्टिविटी क्या है, 50% प्लस है, यही यहाँ पे लिखा है. देखिए क्या लिखा है, आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं 50% मोर देन 50% स्टूडेंट आर इंडल्स इन इन्वॉल्व इन ऑनलाइन चैटिंग और टॉकिंग ओवर फोन आफ्टर दे गो बैक होम फ्रॉम स्कूल. मतलब स्कूल से घर जाते हैं तो या तो चैटिंग करते हैं या फिर फोन पे कॉल करके बात कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं. इनका रेशियो क्या है, 50% या 50 से ज़्यादा है. यहाँ पे देखिए 53 है ये है और 66 ये है, ये दोनों बातें लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे दी, बस उसको मैं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं स्टेटमेंट में. देखिए, इट हैज़ बीन बिकम सो कॉमन दिस डे बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट हैव देयर पर्सनल मोबाइल फोन. अब ये बात आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे जो इस टॉपिक्स से कनेक्ट कर रही है. व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई स्टूडेंट्स आर टॉकिंग ऑन मोबाइल और चैटिंग ऑन मोबाइल, बिकॉज एवरीबॉडी हैव हिज ओन पर्सनल फोन एंड दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग. ये बात आप लिख सकते हैं. मतलब कुछ बातें, कुछ स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस होल पैराग्राफ 100 टू 120 वर्ड्स में आप अपनी तरफ से 4 to 5 स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगे. अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट एक्टिविटी इंगेज इन द फॉर्म ऑफ द पार्ट टाइप जॉब. अब देख लीजिए जॉब में क्या दिखा रहा है, 40%. हाँ, ये भी लगभग अप्रोक्सीमेटली अर्निंग लिख रहा है, तो मतलब वो काम कर रहे हैं. ये 45% मतलब 44 का मतलब हो गया अराउंड 50% आर इन्वॉल्विंग. या अगर आप डायरेक्ट 44 लिखना चाहते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि 44 स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, विच इज 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द doing part-time job and earning money, an equally member of student plays some kind of sport active after school hour. और sport में देखिए 45%, यहाँ पे देखिए earning में 45 है और फिर 45 है play sport में, तो दोनों activity में लगभग समान number of student is equal. तो आप इन दोनों line को आसपास connect करके लिख सकते हैं कि around 44 student और 50% student are involved in अर्निंग मनी पार्ट टाइम जॉब अप टू स्कूल एंड सेम नंबर मतलब 45 और 50, ठीक है 45 मतलब नियर बाई 50 है, 50% में आप देख सकते हैं दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट एक्टिविटी. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, एज मच एज 1/3 ऑफ द स्टूडेंट वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम. और देखिए टीवी कौन कौन देख रहा है भाई, आप बताइए टीवी कौन कौन देख रहा है. 37% है, 37 स्टूडेंट हैं सॉरी, वो क्या कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं. आप यहाँ उसमें अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ देम आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटेड टू स्कूल क्लब. और स्कूल क्लब में कितने जा रहे हैं, 1/4. देखिए क्या है, मतलब 25% अराउंड स्कूल क्लब में क्या है, 22 का मतलब 25% ऑफ हो गया, 1/4 हो गया, तो 1/4 भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट 22 लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग में 1/4 नहीं आ रहा है तो. ठीक है, ये एक लिखने का तरीका, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही लिखना जैसे यहाँ पे दिया है, जो इन्फॉर्मेशन आप उसको एग्जैक्ट नंबर पे लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल. ठीक है, आर एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू स्कूल क्लब एंड देयरफॉर वी कैन
see that all students are engaged in one or other activity after they finish their school. अभी देखिए लास्ट की टू लाइन मैंने क्या बताया, फर्स्ट की टू और थ्री लाइन और लास्ट की टू लाइन जो कंक्लूडिंग लाइन होगी वो अपनी तरफ से लिखेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो लास्ट की टू लाइन देखिए आपने अपनी तरफ से डाल दी, फर्स्ट की टू लाइन और थ्री लाइन अपने तरफ से डाल दी। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, जो लिखा है वही लिखेंगे, वही लिख दो भाई, कोई इशू नहीं है, उतना ही लिख दो तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। और इट इज़ अ फाइव मार्क्स क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा फोर, बट अगर आपको फाइव टू फाइव चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेथोडिकल और स्मार्ट होना पड़ेगा, बिकॉज फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली दोज हूज राइटिंग हुज कंटेंट इज अप्रोप्रिएट स्मूथ कोहरेंट एंगेजिंग एंड नाइस आल्सो। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, अभी आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड इफ यू हैव स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक एंड गुड बाय। एंड वन मोर थिंग, इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज मिलियंस ऑफ कंटेंट आर टू बी अपलोडेड विच विल बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू विल कनेक्टेड to the channel, you will learn millions. It's my guarantee to all. Good luck.